नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में भीड़ ने एक महिला को पायलट और उसके पति की सड़क पर खींचकर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि भीड़ ने पहले महिला को पायलट को घर से दहलीज से बाहर पकड़कर खींचा और फिर सड़क पर लाकर पिटाई शुरू की। इस बीच बचाया ने आए पति के साथ भी मारपीट की गई। भीड़ की नाराजगी देखकर अन्य लोग तमाशबीन बने रहे। ये पूरा विवाद 10 साल की बच्ची से जुड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें, घर में मेड रखते हैं ज्यादातर लोग और नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। बता दें कि अगर लड़की नाबालिग है तो उसको संभाल कर रखना पड़ता है। सबसे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल आरोपी दंपति कौशिक बगाची और उनकी पत्नी पूर्णिमा बगाची पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में 10 साल की बच्ची को पहले नौकरानी की तरह काम करवाया और उसे फिर उसके साथ मारपीट की और टॉर्चर किया। बच्ची के शरीर पर जख्म तक मिले हैं और चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है। जब ये बात लोगों को पता चली तो भीड़ दंपति के घर के बाहर इकट्ठा हो गई और दंपति को खूब मारा गया। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।